दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बना के डाला था कि भाई आप लोगों का जो BJMC का रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है, और मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आप लोगों की भाई रिजल्ट जो है प्रॉपर नहीं आया है। और मैं आपको इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी बताने वाला हूँ कि भाई किस किस को अपने रिजल्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ये जो डिस्पेरेंसीज आई हैं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या ये सभी को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के निकल के, जो कि मैं स्टूडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो कल आपके लिए एक नोटिस आया था कि भाई BJMC का जो स्कोर है वो एक्यूरेट बन के नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने ऑब्जेक्शन रेज करे। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि भाई अगर आपको लगता है कि नहीं आया सही, यूनिवर्सिटी में जाके अपने ऑब्जेक्शन को दो, अपने आंसर की जाके शो करो कि भाई देखो मेरे इतने बन रहे हैं। आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। और टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जाके कंप्लेंट करी। तो फाइनली उनको बोला गया कि भाई BJMC का जो रिज़ल्ट है हम दोबारा से उसको रीअपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला टेक्निकल ग्लिच इस चीज़ को, और अगर स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं रेज करते तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाती और आगे कभी प्रोसीड होती ही नहीं। जो आपको मिलता है वही उसके थ्रू ही आपको करना पड़ता। आज की डेट में भी बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं। मैं आपको बताऊं, MCA का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्लिक हेड टू प्रोसीड नहीं हो पाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एडिट का ऑप्शन नहीं मिला। तो ये सारे टेक्निकल ग्लिच हैं। अगर आपको आते हैं तो यूनिवर्सिटी विजिट करके आपको कंसर्न दिखाने चाहिए, अपनी क्वेरी रखनी चाहिए, तभी इन चीज़ों के ऊपर कुछ हो सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि भाई BJMC के जो रिजल्ट था यहाँ से वो हटा दिया गया है और उसकी जगह सीधा यहाँ पे आपको मिल रहा है लिंक इस नए वाले का, मतलब पुराना रिजल्ट हट चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है इंटरनली कि BCA का भी जो स्कोर है, BCA का भी जो रैंक्स आए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं आए हैं। BBA का आई कांट से स्टूडेंट्स ने इतनी कंप्लेंट नहीं करी, टू बी वेरी फ्रैंक, और उसकी जो मेरिट भी बन के आई है उसमें भी मेरे को इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला डिफरेंसेस। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं BCA के, जो स्टूडेंट है BJMC के, इनको मेरे को ज़्यादा सुनने में आया है कि भाई आप लोगों के जो स्कोर बन रहे थे वैसे स्कोर आपको नहीं मिले हैं। अभी भी टाइम है, अगर आप चाहते हैं तो BCA वाले स्टूडेंट भी जाके अपना कंसर्न रख सकते हैं, जाके अपने एप्लीकेशंस दे सकते हैं, आप लोगों की भी पूरी पूरी बात सुननी जा सकती है। दूसरी बारे में बात करते हैं, क्या इससे रैंक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इससे सभी के रैंक्स पे फ़र्क पड़ेगा। ऑफकोर्स ये बात है, आपके मार्क्स अपडेट होके आएंगे तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो रैंक आपको न्यू अलॉट होगा वो अब चेंज हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, और ऐसा नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन करा सिर्फ उसी का होगा, पूरी लिस्ट रिवाइज होके आएगी दोबारा से, तभी यहाँ से आपकी लिस्ट हटाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले BJMC का रिजल्ट था, अगर ऐसा होता कि भाई कुछ ही स्टूडेंट्स थे तो उनके अलग से वो रिजल्ट अनाउंस कर सकते थे, तो उन्होंने यहाँ से पूरी लिस्ट हटाने का मतलब यही है कि आपका जो पूरा रिजल्ट है न्यू अपडेट होके आएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक नया रैंक मिलने वाला है, और इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, जो आप डिजर्व करते हो आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ ऐसी घबराने वाली बात है नहीं। दूसरा, अगर बाकी लोग भी चाहते हैं, बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगा है भाई मेरे साथ ऐसा हुआ गलत आया है, तो आप जाके कंसर्न रख सकते हो, फाइन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या सभी कोर्सेज में ये चीज़ रिवाइज होने वाली है। नहीं, ये सिर्फ उसी कोर्स में रिवाइज होगी जिसके ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा उनको देखने को मिले हैं, एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है। सो अभी तक यही अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई रिजल्ट के अंदर जो गड़बड़ी थी, जो चेंज आने थे वो चेंज हो जाएंगे और आप लोगों को अब न्यू रिजल्ट बना के दे दिया जाएगा। और अब हम वेट करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम अपना एडमिशन प्रोसेस में लग जाएंगे, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हम उस पे एक वीडियो पूरा प्रॉपर बना सकते हैं, और अब जो मोस्टली वीडियोज़ आएंगे वो इस टाइप से ही आएंगी, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीम्स होती है बहुत लेंदी हो जाती है, स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है अपनी क्वेरीज देखने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।